दोस्तों ये है टॉप 3 साईफाई मूवीज जिनमें है कमाल की स्टोरी लाइन, एक्शन, माइंड बेंडिंग मिस्ट्री, थ्रिलिंग ट्विस्ट, एस्टोनिशिंग एंड ग्रिपिंग विजुअल्स, जो कि आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 3 पर जो मूवी है इसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। ये एक साईफाई थ्रिलर मूवी है और इस मूवी को आप प्राइम वीडियो पर इजिली देख सकते। तो मूवी में स्टोरी है एक टेम्पोरल एजेंट की जिसे अपनी लाइफ का लास्ट मिशन मिला है और उसे फिजल बॉम्बर नाम के एक टेररिस्ट को पकड़ना है जो कि बहुत से बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार होता है। और अपनी इस क्वेस्ट यानी खोज में वो मिलता है जॉन नाम के एक मिस्टीरियस आदमी से जो कि एजेंट को बहुत ही वियर्ड सी स्टोरी सुनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज स्टोरी होती है। और यही जॉन नाम का आदमी इस मूवी का मेन पार्ट है। तो आगे की स्टोरी या मूवी देखकर जानिए कि क्या ये एजेंट फिजल बॉम्बर को पकड़ पाता है या नहीं और ये जॉन नाम का आदमी इस मूवी में क्या कर रहा है। मूवी का एंड आपको पूरी तरह से चकरा कर रख देगा, तो इस मूवी को चेकआउट करना ना भूलें। नंबर 2 पर जो मूवी है इसका नाम है माइनॉरिटी रिपोर्ट। ये एक साईफाई एक्शन मूवी है और इस मूवी को भी आप प्राइम वीडियो पर इजीली देख सकते हो। मूवी में स्टोरी है 2054 के टाइम की, जहां पर है एक स्पेशलाइज्ड पुलिस डिपार्टमेंट जिसका नाम है प्री क्राइम और इस डिपार्टमेंट का काम होता है फ्यूचर में होने वाले क्राइम्स को रोकने का। इस डिपार्टमेंट का एक चीफ है जिसका नाम है जॉन एंडरटन और ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ 3 साइकिक्स की वजह से जिन्हें प्रीकॉक्स कहा जाता है और इनके पास फ्यूचर देखने की पावर होती है और ये तीनों जुड़े होते हैं प्री क्राइम नाम के कंप्यूटर से। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब प्री क्राइम के चीफ यानी जॉन को अक्यूज किया जाता है एक फ्यूचर मर्डर के लिए जो कि उसने अभी तक किया ही नहीं होता। और जब जॉन अपनी बेगुनाही को प्रूव करने की कोशिश करता है तब उसे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलती है इस प्री क्राइम सिस्टम में। तो बाकी की स्टोरी आप मूवी देख कर जानिए। मूवी को डायरेक्ट किया है लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने, तो इस मूवी को चेकआउट करना ना भूले। तो नंबर 1 पर जो मूवी इसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। ये एक साईफाई कॉमेडी मूवी है और इस मूवी को आप जियो सिनेमा पर इजीली देख सकते हो। तो मूवी में स्टोरी है टीनेजर की जिसका नाम होता है मार्टी मैकफ्लाई जो की गलती से 1985 से 1955 में चला जाता है और वहां पर जाके वो बुरी तरीके से फंस जाता है एक टाइम मशीन की वजह से जिसे बनाया होता है उसके एक सन की फ्रेंड डॉग ब्राउन ने। मार्टी वहां जाकर अपने ही मॉम डैड की फर्स्ट टाइम मीटिंग को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देता है यानी बाधित कर देता है जिससे कि मार्टी का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ जाता है और हम मार्टी को अपने मॉम डैड को कैसे न कैसे करके प्यार करवाना पड़ता है और अपने ओरिजिनल टाइम 1985 में वापस भी आना होता है। तो आगे की स्टोरी आप मूवी देख कर जानिए कि क्या मार्टी अपने समय में सही सलामत आ पाता है या नहीं बिना किसी टाइम लाइन को बिगाड़े। इस मूवी में है कमाल का ह्यूमर और बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर, तो इस क्लासिक मास्टरपीस को चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी मूवीज रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब।